आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही खस्ता, एकदम नरम मुलायम और बहुत ही बढ़िया नमक पारे। इसके लिए मैं 200 ग्राम मैदा ली हूँ। इसे अच्छे से मैं मोयन कर ली हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मोयन होना चाहिए, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मोयन हो चुका है एकदम, इतना ही होना चाहिए। अगर कम कीजिएगा तो जो नमक पारे है ना वो अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा खस्ता नहीं बनेगा, इसलिए इतना इसका मोयन होना बहुत जरूरी है। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी, मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा अजवाइन मंगरेला हल्का क्रश करके डालना है, इसका फ्लेवर नमक पारे में बहुत ही बढ़िया आता है, मंगरेला का और अजवाइन का। पानी के मदद से इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, नमक और अजवाइन मंगरेला को, और पानी के मदद से इसका बहुत ज्यादा हार्ड डो नहीं बनाना है न बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो बनाना है। धीरे धीरे पानी इसमें मिक्स करते हुए इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं देखो मैदे को अच्छे से मिक्स करते हुए देख सकते हैं इसका डो लगा ली हूं। इसी तरीके का डो लगाना है। अभी मैं इसको रख दूंगी ढक के 10 मिनट के लिए, जिससे मैदा अच्छे से सेट हो जाएगा। एक कपड़ा से इसे ढककर रख देना है। 10 मिनट हो चुका है, मैदा अच्छे से सेट हो चुका है। इसको एक बार और मिक्स कर लेना है इस तरीके से, और इसका छोटा छोटा लोई बना लेना है। और इसे इस तरीके से राउंड कर लेना है। मैं इसे इस तरीके से चौड़ा कर ली हूं। अभी मैं चौकी ली हूं चकला, और इस पे एक लोई को रखना है और इसको बेल लेना है, पतला बेलना है इस तरीके से घुमाते हुए। मैं इसे पतला बेल ली हूं, चारों साइड को हटा दूंगी, जिससे नमक पारे में शेप काफी अच्छा आएगा। और उसको बाद में बेल लूंगी जो ये बचा हुआ है। और अभी इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा मैं काट रही हूं इस तरीके से, चाकू की मदद से काट लेना है। और इसमें इस तरीके का शेप देना है, देख सकते हैं इस तरीके से, देख रहे हैं ना, देखने में कितना प्यारा लगता है ये वाला शेप। इस तरीके से काट लेना है, जो एक्स्ट्रा लगे उसे निकाल देना है इस तरीके से। एक्स्ट्रा जो देखने में अच्छा ना लगेगा उसे निकाल देना है। इस तरीके से इसको बाद में बेलेंगे तो यूज हो जाएगा। एकदम देख सकते हैं एकदम बढ़िया बना है ना निमकी, देखिए इसका शेप इस तरीके का है। मैं दूसरा लोई ली हूं, उसे भी इसी तरीके से पतला पतला बेल लेना है। देख सकते हैं जितना पतला हो सकता है उतना बेल लेना है, जैसे पूड़ी बनाने के लिए बेलते हैं उतना पतला बेल लेना है। देख सकते हैं ये बेल चुका है। अभी मैं इसमें शेप देने के लिए चारों साइड को हटा लूंगी इस तरीके से, और मैं इसे भी उसी तरीके से शेप देना है, थोड़ा चौड़ा चौड़ा काटना है। और इसको इस तरीके से काटना है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, देख सकते हैं कितना, जितना स्पीड से काटिएगा बहुत जल्दी कट जाता है, देख सकते हैं बन गया ना एकदम बिल्कुल बढ़िया। देखिए इसी तरीके से मैं सभी नमक पारे में शेप दे दूंगी, देख सकते हैं मैं सारे नीमकी को नमक पारे को इस तरीके का शेप दे दी हूं।
अभी मैं इसे तल लूंगी। मैं गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और इसमें तेल को डाल दी हूँ। अभी तेल हल्का गर्म हो गया है, इसमें नमक पारे को डाल के तलना है। एक बार में बहुत ज्यादा नहीं डालना है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं डालते के साथ खुल जाएगा, देख सकते हैं एकदम खुल गया बढ़िया से। और इसको अच्छे से फ्राई होने देना है। देखिए बहुत ही बढ़िया बना है ना, इस तरीके से इसको चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक तलना है। देख सकते हैं नीमकी में बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है नमक पारे में। अब इसे निकाल लेना है इस तरीके से करके। जिससे एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही रह जाएगा। सारे नमक पारे को निकाल लेना है। मैं भी फिर से डालूंगी। देख सकते हैं बंदा बंदा दिख रहा है, लेकिन तेल में जाते के साथ ही एकदम फूल जाएगा और खिला खिला हो जाएगा। देखिए एकदम खुला खुला और बढ़िया बना है, देख सकते हैं एकदम चिपकेगा नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है, देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। इसी तरीके से मैं सारे नमक पारे को बना लूंगी। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।